Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic to discuss you with is parts of plants. आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है parts of plants. यानी हमारे प्लांट में कौन कौन से parts अलग अलग present होते हैं, यानी किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं और उस पार्ट का क्या काम होता है हमारे प्लांट में, हम इसके बारे में देखेंगे. हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, यानी किस तरह के प्लांट्स जो हैं, कितने टाइप के प्लांट्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, हमारे आसपास अवेलेबल हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में देखा था. आज हम देखेंगे कि उन प्लांट्स में कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कि हमारे पास हमारे प्लांट्स के पास अवेलेबल होते हैं, और वो हम साथ में ये भी देखेंगे कि वो प्लांट की किस तरह से हेल्प करते हैं, यानी उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्रेजेंस प्लांट के लिए क्यों ज़रूरी है. हम ये चीज़ देखेंगे अपनी इस वीडियो में, अपने वीडियो के इस पार्ट में हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आइए तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हमारे प्लांट के पास. तो हमारे प्लांट के पास मेनली 5 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और सीड. ये जो मेन पार्ट्स है, यही मेन 5 पार्ट्स जो हैं ये हमारे प्लांट्स के पास अवेलेबल होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि इन्हीं पार्ट्स से मिलकर हमारा एक प्लांट कंप्लीट प्लांट बनता है. आइए अब हम इन्हीं सभी पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं एक एक करके. फर्स्ट पार्ट है हमारा रूट्स. रूट्स हम सभी जानते हैं जो हमारा प्लांट की एक अंडरग्राउंड हम बोल सकते हैं ग्रोथ होती है, जो कि अवेलेबल होती है. और ये जो रूट्स होती हैं हमारे प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती हैं, साथ ही साथ सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके प्लांट्स तक एज अ फूड सोर्स पहुँचाने का काम करती है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए. क्यों? क्योंकि यही न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि प्लांट को फूड, अपना फूड प्रिपेयर करने में ज़रूरी होते हैं और उन्हें चाहिए होते हैं. तो ये थी हमारी रूट्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की. स्टेम जो है वो हमारे प्लांट को अगेन ये भी एक प्लांट का सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ये प्लांट को प्रॉपरली स्टैंड करने में हेल्प करती है, साथ ही साथ ये वाटर और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स में, यानी अलग अलग पार्ट्स में, यानी रूट से मिलने वाला जो न्यूट्रिशन है, वाटर है, उसे वो ट्रांसपोर्ट करती है हमारे प्लांट के टॉप मोस्ट पार्ट तक, यानी उसकी लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइनी टाइनी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर. वहाँ उन्हीं की हेल्प से ये हेल्प करती हैं कि जो वाटर है न्यूट्रिशन से उनका ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके. नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीव्स. जो लीव्स है वो हमारे प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर प्लांट्स का फूड बनता है. बेसिकली अगर हम बोले तो ये प्लांट का किचन होता है, जहाँ पर प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. तो प्लांट्स का फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? वो है लीव्स में, जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस से बनता है, जहाँ पर प्लांट जो है वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट अलग अलग फैक्टर्स को एब्जॉर्ब करता है, उनका इंटेक करता है, उसकी हेल्प से अपने लिए फूड का प्रिपरेशन किया जाता है. लीव्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलर लीव्स में भी, तो कुछ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. एक मिडरिब होती है, वेनेशंस होते हैं, यानी मिडरिब यानी हम जो लीफ का जो मिडिल सेंटर पार्ट होता है, जो एक मोटी सी स्टेम जैसी लीफ के सेंटर में से जाती है, उसे हम मिडरिब बोलते हैं, जो कि हमारी लीफ को बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशन रूट से आ रहा है वायर स्टेम, वो हमारी लीफ के पार्ट तक, एक एक पार्ट तक पहुँचाने का काम करती है. इन्हीं मिडरिब से निकलने वाली जो छोटी छोटी ट्यूब्स बोल सकते हैं, उन्हें ही हम वेन्स बोलते हैं, और ये जो वेन्स है ये स्टेम में उस मिडरिब में आने वाले जितने भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको लेती है, और लेकर उन्हें लीफ के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करती है. तो ये मेनली बेसिकली दो पार्ट्स हैं जो हमारी लीफ के पार्ट्स कहलाते हैं, जो प्रेजेंट थे लीफ में, जो कि न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो वो है हमारा फ्लावर. फ्लावर की बात करें तो हमारे प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, यानी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है देखने में, साथ ही साथ इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि काफ़ी ह्यूमंस को ही नहीं, काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को भी अट्रैक्ट करती है. और प्लांट्स में जो फ्लावर की अट्रैक्टिवनेस है, उसकी स्मेल है, उसका अपीयरेंस है, वो इतना अच्छा सिर्फ इसीलिए होता है ताकि प्लांट्स में होने वाली जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, यानी वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपने लिए सीड का प्रिपेरेशन करते हैं, यानी सीड का प्रिपेयर करने के लिए उन्हें पॉलिनेशन की एक मैथड होती है जिसकी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो मैथड फ्लावर्स की हेल्प से ही कंप्लीट होती है इसीलिए. और फ्लावर्स में भी मेन चीज़ होती है जो इंसेक्ट हैं वो हेल्प करते हैं उन
पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए तो उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है. यही रीज़न होता है कि जो हमारे फ्लावर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होते हैं देखने में. इनकी अगर हम बात करें पार्ट्स की, तो बेसिकली फ्लावर्स चार पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. इन चार पार्ट से मिलकर हमारा जो फ्लावर है वो बनता है. इनके इनके बारे में हमें डिटेल जो है वो हम हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में इनके बारे में डील करेंगे. नेक्स्ट पार्ट है इनका जो है वो है फ्रूट. फ्रूट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ जो कि सीड को कंटेन करता है. हम बोल सकते हैं सीड हमें फ्रूट के अंदर ही देखने को मिलते हैं प्लांट्स में, जैसे हमारा मैंगो हो गया है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, इस तरह के फ्रूट्स है जहाँ पर जो हमारा सीड है वो हमें फ्रूट के अंदर ही प्रेजेंट होता है. अगर हम बात करें तो जो फ्रूट्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने अंदर, और साथ ही साथ यही जो फ्रूट्स है ये हमारे लिए भी एज अ फूड सोर्स यूजफुल होते हैं. हम इन्हें एज अ फूड सोर्स हमारा इनटेक के लिए यूज़ करते हैं फ्रूट्स को. ये थे क्या हमारे फ्रूट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे सीड्स जो कि फ्रूट के अंदर स्टोर किए जाते हैं. ये जो सीड्स होते हैं ये सबसे मेन चीज़ होती है जो कि हमारे प्लांट को ग्रो करवाती है, यानी हमारा जो पूरा प्लांट है वो बड़े से बड़ा प्लांट हो जाए, छोटे से छोटा क्लाइंबर हो, क्रीपिंग प्लांट हो, या फिर उससे भी छोटा कोई प्लांट हो, तो वो सभी जो प्लांट्स हैं वो इन्हीं सीड्स से बनते हैं. तो ये सीड्स जो है वो सबसे हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट होती है हमारे प्लांट की, जहाँ से हमारा प्लांट बनना शुरू होता है. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स और उनके फंक्शंस समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.